नमस्कार मित्रों, आज हम समाचार और न्यूज़ से कुछ इतर देखेंगे। हम लोग मौजूद हैं फलों के राजा आम के इस बगीचे में। यह स्थान है पटना जिला का नवरंगा पंचायत का पचमहला गांव, जो कि बड़हिया का पड़ोसी गांव भी है और यह सीमावर्ती जिला के बिल्कुल नज़दीक है। आप जहां देख रहे होंगे सिर्फ चारों ओर आम ही आम नज़र आ रहे होंगे। तो आज इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि भागदौड़ की ज़िंदगी से अलग हो करके, और आज देखेंगे समझेंगे कुछ आमों के बारे में कि आखिर फलों का राजा आम को क्यों कहा जाता है, और यहाँ पे आकर के जो सुकून मिलता है वह सुकून शायद आपको बंद वातानुकूलित कमरे में ना मिले, आपके चलती फिरती कार में ना मिले। तो हम लोग देखेंगे समझेंगे। हमारे साथ हमारे मित्र हैं रूपक कुमार जी। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए अब इस बगीचे का देखेंगे। आज इस गांव को देखने के बाद मुझे मथुरा प्रसाद नवीन जी की एक कविता याद आ रही है, वो गांव है नंगे पांव चलो। उनकी शीर्षक की दो कविताएं मैं पहले पेश करना चाहूँगा। उनकी एक कविता थी कि द कोट पैंट रख सहरे में वो गांव है नंगे पांव चलो। तो हम लोग आज उसी का अनुपालन करते हुए इस गाछी को देखेंगे, इस बगीचे में क्या है और कैसे करके आम की यह पूरी बागान लगाई जाती है, कैसे बेचा जाता है, कैसे जो भी प्रक्रियाएं हैं। और हम लोग इस गांव को देखने और दिखाने की कोशिश करेंगे कि गांव में लोगों की आम ज़िंदगी कैसी होती है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो रूपक जी, हाँ जी, आज इस गाछी में हम लोग घूम रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि नगर और शहर की वह धूल भरी जिंदगी, शहर और इस ये जगह, हाँ, जो कि शहर में जैसा आप बोले कि धूल भरी जिंदगी उधर है, बिल्कुल, और इतना पॉपुलेशन, इतना साउंड पोल्यूशन, उससे दूर पड़े यहाँ पे अगर अभी आए हैं तो बहुत ही अच्छा सुकून हो रहा है। और जो आप कविता बोले नंगे पाँव, ओह उसका एक्सपीरियंस क्या मजा, काफी बड़ी कविता है, सुनाऊंगा कभी आपको। तो अभी नंगे पाँव जो चल रहे हैं, कादो भी मिल रहा है, घास भी मिल रहा है, और इस मिलते हुए इस बगीचे में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आते हुए और आम को देखते हुए। बहुत सारे कच्चे होंगे, पके होंगे, आम के इस बगीचे को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मचान इधर आप लोग देख सकते हैं, गांव की भाषा में इसे मचान कहते हैं। मचान यानी कि वह जगह जो बगीचे के बीच लोग अक्सर कुछ लगा करके, अगुरवाही, हाँ बिल्कुल, गांव की भाषा में इसे अगुरवाही भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है संरक्षा सुरक्षा देना, यानी कि सर्विलेंस करना अपने बगीचे का। तो यह दो बगीचे, इस बगीचे में इस मचान पे दो लोग मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार, आप यहीं पचमहला के रहने वाले हैं? जी हाँ, पचमहला के। तो हम लोग तो घूमने आए हैं इस बगीचे को, तो आप लोग बताइए कि इस बारिश भरे माहौल में, इस मानसून में भी आप लोग इस एक बांस और बल्ली पे बनाए हुए इस मचान पे आप लोग क्या 24 घंटे रहते हैं? नहीं, 24 घंटे नहीं रहते हैं, दोनों लगभग वही दिन में 7-8 घंटे रहते हैं, और फिर रात में कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश। देखिए, हम आपसे एकदम गाँव की भाषा में पूछते हैं, वो सीधी सी बात, यह कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है जानना कि जैसे यह बगीचा है गाँव का, तो आप लोग बगीचे में मतलब कैसे, आम का कई सारा पेड़ है यहाँ पे, देखें तो यहाँ पे सैकड़ों पेड़ होंगे आसपास मिला दे तो इन पेड़ों में जैसे आम कभी भी टूट सकते हैं, बारिश पड़ती होगी, गिरती होगी आम, तो क्या रात में कोई मौजूद रहता है क्या इनको यहाँ पे देखने के लिए? रहता है। कैसे, आप तो चले जाते हैं, आप बता रहे हैं, मेरे जाने के बाद कोई और आते हैं जो रात में सोते हैं। अच्छा, रात में भी यहाँ पे आदमी रहते हैं? अच्छा, सोने के लिए। तो यानी बारिश हो, दोपहर बारिश हो, चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, यहाँ पे कोई ना कोई रहता है इसी मचान पे। आंधी आने पे और भी लोग यहाँ मौजूद हो जाते हैं। तो वज्रपात की भी घटना होती होगी, जिसे ठनका कहते हैं, उससे कैसे बचते होंगे लोग? वैसा अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे मौजूद। साथ चलिए और कुछ बगीचा दिखाइए, कैसे क्या आम की का उत्पादन आप लोग करते हैं, जो बागवानी होती है इसकी, कितने प्रकार के भी आम ये लगाते हैं? बिल्कुल, ये सब जो पेड़ है, या सारे पेड़ आपके हैं? जी जी।
तो ये बताइए कि ये सब कौन कौन से पेड़ हैं, इनका नाम वाम कुछ बताइए, समझाइए कि ये पेड़ मालदा होता है, कृष्णभोग होता है, और ये फजूली होता है। अच्छा, और यहाँ सबसे बेस्ट मालदा को माना जाता है, जिसमें मालदा हम लोग अपने भाषा में दुधिया मालदा बोलते हैं। अच्छा, ये जो पेड़ देख रहे हैं ये कौन सा पेड़ है जरा बताइए? ये पेड़ तोता पड़ी है, ये तोता पड़ी है। तोता पड़ी, जी जी। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसमें थोड़ा सा जो होता है ना, रस और गुद्दा मिला हुआ होता है। अच्छा, और मालदा जिसे आप खाइएगा, हाँ, तो मालदा में सिर्फ गुद्दा मिलेगा और आठी उसका जो होता है ना, उसका आठी यानी गुठली, गुठली, हाँ, वो पतला मिलेगा, इसका गुठली थोड़ा मोटा मिलेगा। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा सन होता है तो लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, बूढ़ा लोग खास करके। सन के बारे में जैसे ये होता है ना कि सर रेशा होता है, जो आम का जो होता है ना वो रेशा होता है। मालदा खाने में आपको रेशा नहीं मिलेगा, मालदा में, और वो डायरेक्ट ऐसा लगेगा कि हम खोआ की तरह, लेकिन ये जब खाइएगा तो 50 बार आपको दांत में। चलिए कुछ और पेड़ों को देखते हैं, कुछ और हमें बताइए और सब पेड़ों को दिखाइए। हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ आम ही आम है, और उस प्लॉट में हमने अभी देखा कि करीब करीब उधर तकरीबन मुझे 100 के आसपास के पेड़ दिखे, 100 के आसपास आम के पेड़, और जहां तक मैं समझ पाया कि उसमें कम से कम 15 तरह के पेड़ थे। आइए हम लोग देखते हैं, यह मालदा का कलम पेड़ है। हाँ। तो वेद जी, यह कलम का पेड़ क्या होता है? कलमिया पेड़ हम लोग सुनते हैं, तो ये मालदा का कलमिया पेड़ है, बताइए इसके बारे में। हाँ, तो वही मतलब बढ़िया किया हुआ रहता है सब। अच्छा, ठीक है ना। और इसका आंटी आंठी जो होता है वो बहुत, हाँ, गुठली वो बहुत पतला होता है, चत्ता बहुत पतला होता है। तकरीबन कितने समय पहले लगाया गया? ये 5 साल का लगा हुआ गाछ। हाँ। और सारा भी आम है, तोता पड़ी है, हिमसागर है, चौसा है। देखिए ये भी क्वालिटी है, फजली है। अच्छा, फजली आम। हाँ। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है तो कि काफी बड़ा और वजनदार है। नहीं, एक इसमें हम एक बात कहना चाहते हैं। हमारे बड़हिया स्टेशन है, हम लोग का प्रमुख स्टेशन है, जिसमें इंटरसिटी और सुपर ट्रेन जो है नहीं रुकती है। हम लोगों के दोस्त लोग को पटना जाने में बहुत परेशानी होती है। हमारे संसदीय क्षेत्र के ललन सिंह को हम ये भेंट करेंगे अगर वो सुपर और वो इंटरसिटी को चालू करवा दें। तो यह फजुलिया आम सांसद ललन सिंह को भेंट जी, करेंगे जी, जी। 2 कार्टून भेंट करना चाहते हैं। वाह 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 वाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और इस आम के बारे में और बताइए कि ये आम कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से? अभी जो है ना, अभी हम लोग काम कहीं भी ज्यादा दूर सप्लाई नहीं जा रहा। अच्छा। इसका कारण ये है ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है ना। आम हम लोग यही मंडी में ही ले जाते हैं, वहाँ सही रेट नहीं मिल। मंडी आपका कहाँ? बढ़िया। हम लोग का मंडी यहाँ बढ़िया हुआ, लखीसराय हुआ, मोकामा हुआ, बेगूसराय हुआ, बीहट हुआ। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सही रेट, उचित दाम इसका नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ले लिए हैं, गाछी है तो तोड़ के उसको सप्लाई करना ही करना है। बगीचा दिखा दीजिएगा एक बार। चलिए, या कितनी घनी घने पेड़ों से भरा पड़ा है, हम आप बताते चलते हैं कि अच्छा, इस गाछी में कौन कौन सा पेड़ है बताइए आप? हाँ, इसमें आम है, अमरूद है, कटहल है, ठीक है ना, महुआ है, केला है। अच्छा, नींबू है। अच्छा, सागवान का कुछ गाछ है, ठीक है ना, और यही सब है। लीची है, लीची भी है, लीची भी है। काफी छोटा पेड़ है और इसमें हम देख रहे हैं कि आम लगा हुआ है, या शायद कलम वाला पेड़ है। कलम वाला, कलम वाला। यह कौन सा आम है? मालदा। ये मालदा है। अच्छा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो आइए आम 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 दिखाइएगा आप थोड़ा। देखिए आम, मतलब कितनी कम ऊंचाई पे आप देख रहे हैं कि मैं इसे नीचे से ही छू ले रहा हूँ। यह मालदा आम है, यह जो है मालदा आम है। और ये मतलब जो है बीज जी, इसके बारे में बताइए, ये कितने दिनों में पक जाता होगा? ये देखिए, ये इस सब का पकने का समय अब हो गया। अच्छा, लेकिन इस बार सबसे पहले बरसात आ गया, बरसात के कारण उसी समय पत्थर जो पड़ गया, इस कारण से इसमें बहुत सारा आम जो है वो डैमेज हो गया। डैमेज हो गया। देखिए ये आम भी बढ़िया है, पिलवाही इसको बोलते हैं, पिलवाही आम। अच्छा, ठीक ना। इसकी खासियत क्या है? नस्ल है, ये कीड़े जैसा साइज है। अच्छा, तो इसलिए लोग इसको पिलवाही आम बोलते हैं। इसी जो आप पहले वहाँ मालदा दिखाए और एक यहाँ मालदा दिखा रहे हैं। हाँ। उस मालदा से कहीं बड़ा इसका साइज है। जरा पंकज जी इधर दिखाइएगा आम को, दिखाइए बहुत प्रकार का यहाँ के आम को दिखाइए, क्या एकदम फैंटास्टिक आम लग रहा है। कृष्णभोग, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कृष्णभोग आम का नाम। तो यह रहा कृष्णभोग, बाकी वेद जी हैं बताएंगे कृष्णभोग के बारे में।
इसका जो गुठली जो होता है वो पतला होता ही होता है, ठीक है ना, इसका चत्ता भी पतला ही होता है, ये अच्छा। मालदह जैसा होता है, मालदह के आकार मतलब बराबर का होता है। हाँ बराबर, मतलब खाने में भी स्वादिष्ट एकदम मीठा होता है, स्टार्टिंग से ही मतलब ये इसका जो स्वाद होता है कच्चा में भी ये मीठा लगता है, ठीक है ना। इसका साइज ये तो खैर हमारे पास अभी ये थोड़ा छोटा है, इसका साइज कम से कम एक एक आम का एक एक केजी से डेढ़ डेढ़ केजी तक, डेढ़ केजी तक, डेढ़ केजी। कौन सा आम बताया था? ये कृष्णभोग। कृष्णभोग जी, हाँ कृष्णभोग में बचपन में एक बार मेरे चाचा लाए थे तो इतना बड़ा था। तो मतलब ये बताइए कि मालदा बेहतरीन या कृष्णभोग किसे माने हम? देखिए खाने वाले पे वो डिपेंड करता है। अच्छा, और अगर महंगाई की बात करें कि महंगा कौन सा बिकता होगा? महंगा मालदा बिकता है। अच्छा, मालदा बिकता है, दो रुपए। मालदा सबसे बेटर आम है, कारण क्या है ये? कारण ये कि वो खोआ लगेगा। अच्छा, मैं तो वेद जी बता रहे हैं कि या कृष्णभोग मालदा और मालदा भी बढ़िया बढ़िया आम है, जैसे हिमसागर हुआ, ठीक, चौसा हुआ, चौसा, ये कृष्णभोग हुआ, ठीक है, और बहुत सारा है। तो चलिए समझ गया, अब इस पे ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करके, तो कृष्णभोग आपके पास है, आपके पास एक तोता पड़ी है, आपके पास शाही दिखाते हैं, आइए आइए। तो उधर ये भी तोता पड़ी ही है। हाँ, ये जो है ये देखिए तोता पड़ी, इसको क्यों बोलते हैं? अच्छा, आम देख के ही आप बोल दीजिएगा अच्छा ये तोता पड़ी है। अच्छा वाह, देखिए ये देखिए, अच्छा, तोता पड़ी है। तोता पड़ी दिखाइए जरा, तोता पड़ी को नजदीक से दिखाइए। इसलिए तोता पड़ी बोला जाता है क्योंकि इसका लोल थोड़ा सा निकला हुआ है नीचे का। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए। हाँ अच्छा, ये सब तोता पड़ी है, टोटल जितना भी ऊपर हम देख रहे हैं तोता पड़ी है। इसका तोता परी, हाँ, यानी कि तोते की तरह इसका लोल जो निकला हुआ है। अच्छा, और परी का कोई मतलब होगा? हाँ, वो तो परी अच्छा, मतलब रानी। अच्छा अच्छा, आम राजा हुआ, ठीक है। अच्छा, ये खाने में कैसा लगता है? ये भी मीठा लगता है। हाँ, जत्ता इसका थोड़ा मोटा होता है। ये जो आपका पूरा बगीचा है, तोता परी, कृष्ण भोग, मालदह, चौसा और फिजुलिया, हाँ। ये छोटा छोटा गाछ देख रहे हैं? हाँ हाँ, छोटा छोटा, हाँ, ये इसको आम्रपाली बोलते हैं। अच्छा, आम्रपाली। अच्छा, आम्रपाली में ही मतलब बहुत सारा किस्म का होता अच्छा। है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ये सब होता है। बेहतरीन आम है ये तो सच में। ये इसको जूम कर दीजिए, वाह सच में शानदार है, ये शानदार आम है। हाँ, नीचे कर लीजिए आप इसको। और आप लोग इसको कहाँ कहाँ तक बेचते हैं ले जाकर के आमों को? हम इसको जो है बढ़िया मंडी, ठीक है, बेगूसराय, लखीसराय, मोकामा, बड़ बिघा, शेखपुरा, जो हमारा आसपास का जो मंडी है हम वहाँ तक कोशिश करते हैं कि पहुँच जाए। लेकिन सही रेट ना मिलने के कारण हम लोग का जो है सही इसका रेट नहीं मिल पाता। तो क्या ये मानते हैं कि ये जो कोरोना महामारी है इसका असर इन आमों पे भी पड़ा है? बहुत पड़ा है, बहुत इस पे असर हुआ है। ऐसा असर हुआ है कि जो हम पहले आम बेचते थे, बिकता था यहाँ से, मतलब यहाँ से ही ले जाता था लोग, व्यापारी लोग, 30 रुपये 32 रुपये, आज 25 रुपये 20 रुपये भी लोग नहीं पूछ रहा है। अच्छा, यही कारण है कि और ट्रेन और ट्रांसपोर्टेशन के मतलब स्थिति गड़बड़ाने की वजह से भी कोई समस्या उत्पन्न हुई हो? बहुत समस्या उत्पन्न हुई है, ऐसे बहुत सारे व्यापारी लोग ट्रेन से ही मतलब कि उसी से ले जाते थे, पटना चाहे खुशबूपुर मंडी ले जाते थे, वहाँ पे बेच देते, लेकिन नहीं, आज नहीं होने के कारण आज लोग गाड़ी करते हैं रिजर्व, उसमें ज्यादा किराया लगता है। समझ गया। गोपाल जी मिले थे चलते चलते, जो कि बता रहे थे कि इनके 100 से अधिक आम के पेड़ इस बगीचे में हैं। तो यह कुछ किसानों से अधिक हम लोग का परिवार में भी है, पर्सनल मेरा 100 है। अच्छा, और परिवार चचा भैया गोतिया भाई हैं जो जोड़ेंगे तो बहुत। तो आप मोटे तौर पर बताइए कि परेशानी क्या रही आप लोग? परेशानी तो यही है कि सरकार से कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा, सरकार कहीं पे हम लोग का अपना बलबूता काम कर रहे हैं, सरकार को सिर्फ सरकार के रूप में उनको वोट देते हैं, बस बात बाकी उनसे हमको कोई मतलब नहीं। वो मुख्य परेशानी क्या है? आप बता रहे थे कि आम जैसे टूट जाता है, उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है? परेशानी है कि इसको कहीं निकालने का कोई जगह मार्केट नहीं है, रखने का हम लोग के पास कोल्ड स्टोर नहीं है, इसको मैंने सर गया तो इसको गांव के पेक्स की ओर से कोई मदद, पंचायत के पेक्स से कहीं कोई मदद नहीं है, कोई रखने की कोई सुविधा फसल में नहीं, मदद है उसमें।
कोई फसल में खाद बीज कुछ नहीं, उससे कोई वितरण नहीं होता है। तो आम की तो बात अलग ही है। आम तो छोड़िए, आम तो खैर कोलेस्ट्रॉल का, मतलब आपका ये कहना है कि आपका आम आज अगर गिर जाता है, टूट जाता है, आपके पास बहुत सारे आम जमा हो जाते हैं, तो उसे रखने के लिए आपके पास कोई उचित स्थान नहीं है। कोई उचित स्थान नहीं है। घर में कितना आम रखिएगा? एक गाछ में 10-10 मन 25-25 गाछ में गिरता है, एक बार में अंदर आता है तो बहुत सारा आम गिर जाता है, तो उसको रखने का कोई जगह नहीं है। कहाँ घर में कितना जगह रखिएगा? छोड़ देते हैं गाछी। देखिए यहाँ से पूरा पेड़ हमरे पड़ता है, यहाँ से पूरा रास्ता है। अच्छा, ये पूरा? जी जी, पूरा पेड़ पड़ा हुआ है। इसका कोई मंडी नहीं है और नहीं इसका कोई यात्रा, तो खैर बंदे है, टफे पड़ल है, अथी यात्रा का तो कोई साधने नहीं है और नहीं कोई सरकार है यहाँ पर कोई ध्यान देने वाले। खाली बोट लेके आते हैं, बोट लेके चले जाते हैं। कोई यात्रा का कोई सुविधा नहीं है, कोई कोल्ड स्टोर का सुविधा नहीं है, मैंने आम का कोई इज्जत नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने सैकड़ों की संख्या में पेड़ है, आम टूट करके आपके पास है, लेकिन उनके लिए कोई मंडी नहीं? कोई मंडी इसका नहीं है, कोई भी इसका जो अलग से साइड व्यापार आता है कुछ नहीं। अपना गाँव घूम घूम के बेचिए, बिका तो बिका, नहीं सर गया तो उसको कहीं बिक दीजिए। अच्छा, यानी सरकार की ओर से आपको कोई सुविधा आम को क्रय करने के लिए, बेचने खरीदने के लिए कोई सुविधा इसका नहीं? कोई नॉर्मलो प्रशासन ब्लॉकों से नहीं आता है कि भाई ठीक है इतना इतना क्षति हुआ, क्या हुआ, इसका कोई मुआवजा भरने वाला नहीं है। और अच्छा। सरकार कहता है पेड़ लगाइए, फलना चिलना लगाइए, जिससे आत्मा असंतुष्ट हो जाता है। बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली की बात करते हैं तो यह जल जीवन हरियाली का सबसे 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 बड़ा उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं और खास करके आम का बागान है यहाँ पे। सच में यह बहुत दुख भरी बात है। हम तो ऐसे वीडियो करने के लिए आए थे, आज कोई समाचार करने का कोई उद्देश्य नहीं था, बस हमें दिखाना था। लेकिन यह दर्द सच में है कि आखिर मुख्यमंत्री जो इस सूबे की बात करते हैं कि हम यहाँ जल जीवन हरियाली, तो इतने हजारों लाखों पेड़ इस इलाके में हैं, अगर उसके आम नहीं बिके, उसके आम उचित स्थान तक नहीं पहुँचे, सर जाए, गल जाए, ना मुआवजा मिले, ना किसानों को उनका हक मिले, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है।